ठीक है भैया, आता हूँ मैं सामान लेने के लिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स। अंगद ये ले। वहाँ पार्टी के सामान की इतनी बड़ी लिस्ट तैयार है, अब और क्या रह गया है? ये पार्टी के सामान की लिस्ट नहीं है, जीजा जी का फोन नंबर है। उन्हें फोन लगा, अगस्त्य की पार्टी में बुलाना है। फूफा जी को? माँ आपको तो पता है ना, विजय चाचू बुआ जी को उनके ससुराल से वापस घर लाए थे और उसके बाद कभी उन्हें जाने नहीं दिया और ना ही कभी फूफा जी से बात करने दी। तू ये सब बातें नहीं समझेगा, चाहे जैसे भी हो इस घर के दामाद है और ऐसे मौके पे उन्हें घर पे बुलाना चाहिए। तू बस फोन लगा। हेलो नंदोई जी, प्रणाम। कैसे हैं आप जी? वो मैं कह रही थी कि आज रात को चचा, वो माँ ने बोला था इसलिए फोन लगा दिया। चचा विजय, वो इस घर के दामाद है और आज जब घर में इतनी बड़ी खुशी मनाई जा रही है तो ऐसे रिश्तों को नहीं भूल सकते हैं। वही तो, जो उन्होंने गायत्री दीदी के साथ किया वो हम भूल नहीं सकते, हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। ना ही कभी वो इस घर में कदम रखेंगे और ना ही आज के बाद आप उन्हें कभी फोन करेंगे। हम अपनी बहन को घर पर लेकर आए हैं, हम जिंदगी भर उसे घर पर बैठा कर खिलाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। भगत राम जी की दुकान से बोल रहे हैं, राशन तैयार है। चचा वो अंकद राम की दुकान से फोन है, वो सामान लिखवाया था तो तैयार है बोल रहा है। तुम मुंह क्या देख रहे हो बे? चलो निकलते हैं। अरे शाम की पार्टी में कोई कमी रह जाएगी तो हग्गू नाराज हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, आप सामान तैयार रखिए, हम आते हैं। भाभी माफ भी कर दो ना, गलती हो गई हमसे। जानते हैं हमको आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पता है हमें आप सब रिश्तों को जोड़कर रखना चाहती हैं, लेकिन जो हमारे अपनों का दिल दुखा है उसे हम कभी माफ नहीं कर सकते।
अरे सुनिए, आप प्रभात भैया की मेहमान है ना? अरे हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आज शाम की पार्टी में आप भी शामिल हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन। अरे आप कुछ बोल नहीं रही, आएंगी ना? चाचा आप इधर हैं? अरे जल्दी चलिए, डीजे भी आ गए हैं, पार्टी शुरू करनी है चाचा, चलो जल्दी चलो। हाँ चाचा, पूरी रात डीजे पे नाचेंगे, हाँ मजा आ जाएगा एकदम। भाभी मंदिरा, तुमने हमारी यार, तुम्हारी गलती है। अरे हमारी गलती कैसे? अरे तुम यहाँ आई कैसे? वो भाभी ने इनवाइट किया हमें, हम तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन ना तुमने हमारा सारा प्लान ही खराब कर दिया। ऐसे ही देखते रहोगे या हेल्प भी करोगे हमारा? अरे बाबा, हम क्या कर सकते हैं? हमारी ड्रेस की जिप नहीं लग रही है, थोड़ी हेल्प कर दो प्लीज। ये सब हमसे होगा नहीं। क्यों? करंट लग जाएगा? नहीं। फिर? असल में हमारी माँ ने कहा था कि शादी से पहले ना किसी लड़की को छूना मत। तो कोई बात नहीं, माँ की तस्वीर के सामने हम माफी मांग लेंगे। तुम जिप लगाओ। जो लड़का लड़की की ड्रेस की जिप नहीं बंद कर सकता ना, हमें लगता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। देखो ऐसा नहीं है। तुम रहने दो, हम बब्बन को बुला लेंगे। ए, जान से नहीं मार देंगे उसे? इतना प्यार करते हो हमसे? बिल्कुल, आजमा के देख लो। वही तो कर रहे हैं। लगाओ। भाभी आ गई, भाभी को भेजते हैं। विजय नामधारी, दोस्ती से प्यार तक के हमारे इस सफर में तुम्हारी इस तपस्या को हम तुड़वा कर ही रहेंगे। इसीलिए आज की शाम हमारे भाई अग्गू के अगस्त के नाम देखना भाई, पूरा देश रह जाएगा हक्का बक्का जब हमारा भाई मारेगा चौका और तो बयावे। We'll be right back.
आप यहाँ? अरे बाहर इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, आप आए नहीं? हाँ अरे चलिए ना, बाहर चलते हैं, मजे करते हैं। अरे अरे लगता है अगस्त का डांस शुरू होने वाला है, चलिए चलिए बाहर चलते हैं। We'll be right back.
अपनी गुड़िया को देखने का मन किया सो चला आया। क्यों, तुम खुश नहीं हो? नहीं पापा, आपने बहुत अच्छा किया। हम भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। आप ना, आप इस दुनिया के बेस्ट पापा हैं। और ये क्या, आपने फिर से अपना वजन बढ़ा लिया? और हमने जो आपको डाइट चार्ट बनाकर दिया था उसका क्या? हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हम तो खुश हैं। वो तो दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है, इतनी रात को इतना सज धज के कहां से आ रही है मेरी गुड़िया? हमारे दोस्त के घर ना एक छोटी सी पार्टी थी, तो वहीं थे हम। दोस्त? सिर्फ दोस्ती है ना? हाँ पापा, आप कैसी बातें करते हैं, दोस्ती है सिर्फ। अब रीना, तुमने बताया नहीं पापा को? जी जी अंकल। किसी और का सबूत नहीं चाहिए हमें। बहुत भरोसा करते हैं हम तुम पर। उम्मीद है तुम अपना वादा नहीं भूली होगी। तुम्हें अपने जिंदगी का हर फैसला लेने का अधिकार है। सिर्फ अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती हो। वो हक सिर्फ तुम्हारी मां का या हमारा है, हमारे पापा का है ना? जी पापा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। बेटा वो कब्ज की दवा है ना तुम्हारे पास, उधर देना। ना खाना बहुत अच्छा बना है ना, इसलिए बार बार मांगने चला आता हूँ। बाद में पार्सल भी ले लूंगा, नेवर माइंड। अरे विजय भैया, फोन रख दीजिए और प्लेट ले लीजिए हाथ में। अरे यार, फोन भी नहीं उठा रही, ऐसे कैसे चलेगी बिना बताए? हम जरा पता करके आते हैं। लीजिए, अब आप भी खाना खा लीजिए। हाँ, रानी ने खाना खा लिया? पता नहीं, नहीं खाया होगा तो खा लेगी। आप खा लीजिए। सुनिए, ये कहां चले गए? मैडम, खाना वाला खाया कि नहीं? नहीं वो। अरे नहीं कैसे, आप भैया की मेहमान है, चलिए। मैं ठीक हूँ, मैं खा लूंगी। अरे ठीक कैसे, हमारी परेड लगा देंगे, चलिए। अरे भैया आप आ गए, अब आप जानिए और आपकी मेहमान, खाना नहीं खाया। ये तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया हूं मैं, तुमने खाया नहीं इसे खा लेना। जरूर कुछ कांड किया होगा महारानी ने, तभी तो सबके सामने शक्ल दिखाने से शर्मा रही। और वहां भैया को तो देखो, उसे कुछ ज्यादा ही भावताव दे रहे। क्या कहना चाहती है दीदी? यही कि अगर मक्खी को सही वक्त पर नाक से ना उड़ाओ ना, तो वो नाक लेकर उड़ जाती है।
अब मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, बस एक दो दिन की तो बात है। लेकिन एक दो दिन के चक्कर में हमारी इम्पोर्टेंट क्लासेस मिस हो जाएंगी। अरे बेटा कौन सी इम्पोर्टेंट क्लास किस दिन है, हमको बताओ, तुम्हारा कॉलेज ही बंद करवा देंगे। पापा क्या है ये? बेटा तुम्हारी माँ की जिद है, तुमको लिए बिना हम गए ना तो हमको भी घर में नहीं घुसने देगी, तुम जाती हो जी? अच्छा ठीक है, आप जीते, लेकिन हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। ठीक है आओ बैठो। बैठो। अपनी बेटी का झूठ तो शायद हम एक बार माफ कर दें, लेकिन बेटी की सहेली का झूठ कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही? नहीं अंकल, सॉरी सर, यहाँ सब ठीक है। यही तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा।